क्यों अच्छे टाइम बन रहे हैं, क्यों फोकस में है कुछ स्टील कंपनीज, आइए इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ली जाए आशीष चतुर्वेदी के साथ। आशीष बताइए क्या चल रहा है स्टील सेक्टर में। दीपांशु लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। देखिए आज सुबह भी हमने आपको खबर बताई कि यूएस और यूके बीच में जो है 2018 में जो ट्रेड वॉर चल रहा था ट्रंप के टाइम पे, वो अब सुलझता हुआ नजर आ रहा था। दरअसल अगर आप देखें तो यूएस ने जो है एल्यूमिनियम और स्टील जो यूएस में इंपोर्ट होता था उसके ऊपर ड्यूटी काफी ज्यादा लगाई थी, स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 15%। लेकिन चाइना का ड्यूटी स्ट्रक्चर ऐसा था कि चाइना फायदा उठा रहा था। यूके अगर आप देखें तो वैसे टोटल वॉल्यूम के लिहाज से इतना सप्लायर नहीं था, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि वहां पर जो है यूके के जो स्टील कंपनीज है इनको एक बड़ा फायदा होते हुए नजर आ सकता है। क्योंकि अगर आप देखें टाटा स्टील, ये स्टॉक आपके रडार पर रहना चाहिए क्योंकि इनकी यूके में प्रेजेंस काफी बढ़िया है और बहुत सालों से दिग्गज स्टील प्लांट्स में से एक आते हैं और फ्लैट और लॉन्ग दोनों प्रोडक्ट जो है ये बनाते हैं। तो टाटा स्टील एक ऐसा स्टॉक है जो आपके रडार पर रहना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो क्योंकि डील काफी बढ़िया है अभी फिलहाल, जैसे मैंने बताया कि यूएस और यूके के बीच में जो स्टील का ट्रेड है वो उतना नहीं है, लेकिन ये मान रहे कि 5 लाख मेट्रिक टन तक का जो ट्रेड होगा वो ड्यूटी फ्री होगा, उसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो ऐलान होगा। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट के अवसर जो है टाटा स्टील के लिए बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी ब्रॉडली आप देखें तो खबरें काफी ज्यादा सपोर्टिव हैं। सबसे पहले कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, थोड़े दिन पहले भी अपडेट देकर हमने आपको बताया, और आज भी अगर आप देखें तो जेएसडब्ल्यू और सेल की तरफ से जो कीमतें हैं वो करीब 1250 से 1500 रुपए प्रति टन जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। खबर ये भी आ रही है कि चाइना में जो टैंगशेंग शहर है जो कि स्टील उत्पादन में बहुत मेजर रोल प्ले करता है, वहां पर अब थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं, पूरी तरीके से लॉकडाउन नहीं है लेकिन रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो हो सकता है कि सप्लाई साइड इश्यूज देखने को मिले, तो ये भी एक पॉजिटिव है। और थोड़े दिन पहले अपडेट देकर मैंने आपको ये भी बताया था कि यूरोप का एक दिग्गज यूक्रेन में जो प्लांट है वहां पर पूरी तरीके से वॉर के चलते जो है वो नष्ट हो चुका है, तो सप्लाई का डिफिसिट है, मांग काफी बढ़िया आ रही है। इसके चलते देखें तो लगातार स्टील कंपनीज के लिए अच्छी खबर है और आपको शेयर प्राइसेस में भी ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए स्टील पर पूरी की पूरी रिसर्च और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए आती दिख रही। कीमतें तेजी से बढ़ती हुई दिख रही है, कुछ तो वजह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की, कुछ अंतरराष्ट्रीय बाजारों की और कुछ डिमांड की, इन तीनों कारणों को मिलाकर तगड़ा एक्शन यहां पर होता हुआ दिख रहा है।